हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज बना रही हूँ व्रत के दही बड़े। ये दही बड़े इतनी टेस्टी है, तो ये आप बिना व्रत के भी ऐसे ही बना सकते हो। और हाँ, इसमें से कोई आप चीज़ व्रत में नहीं खाते हो तो वो चीज़ को स्किप कर सकते हो। तो बड़ा बनाने के लिए मैंने एक कुकर में नमक का चावल लिया है, तो ये हाफ कप नमक का चावल है जिसको मैंने धो के पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। आप हाफ कप ही कच्चा आलू डाल लेंगे काट के, और ग्रेट किया हुआ अदरक डाल लेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। आप शनिया नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल लिया है, तो 1 कटोरी चावल के लिए 3 कटोरी में पानी डाल दूंगी। तो आप कप से नापो तो ये हाफ कप चावल है और पानी है 3/4 कप। पानी आपको नाप के डालना है ताकि चावल और आलू कुक हो जाने के बाद ड्राई हो जाए। पानी डालने के बाद कुकर को 2 सीटी मारने तक कुक कर लेंगे और मार के तेल ठंडा कर लेंगे। व्रत की हरी चटनी के लिए 1 मुट्ठी धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 1 इंच के करीब अदरक लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने मूँगफली लिया है। आप नींबू के अलावा सारे चीज़ों को मिक्सर जार में डाल देंगे। आप चंदा नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून, और 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, या नहीं तो आप आइस क्यूब डाल सकते हो ताकि जो हरी चटनी है वो पीसने के टाइम काली ना पड़ जाए। जब चटनी पीस जाए फिर उसके बाद नींबू डाल देंगे और डाल के एक साइड में रख देंगे। अब जो चावल और आलू का मिक्सर है तो वो भी ठंडी हो गई है, तो उसको मैंने कुकर से निकाल लिया है। अब निकाल के बहुत ही अच्छी तरह से आलू और चावल को मिक्स कर लेंगे हाथ से मसल के। फिर उसके बाद मैंने मूंगफली को मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लिया है, तो वो डाल देंगे और डाल के हाथ से मसल के बहुत ही अच्छी तरह से गूंथ लेंगे ताकि कोई भी बड़े जो दाने हैं तो वो ना रहे। आप उस मिक्सर से बोल तैयार कर लेंगे, तो जब आप बोल तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हाथ से मसल के बोल तैयार करनी है ताकि कोई भी क्रैक ना रहे। अगर क्रैक रहेगी तो ऑयल में जाने के बाद वो फट जाएगी, तो इसलिए पहले हाथ से अच्छी तरह से मसल के बोल तैयार करनी है और कोई भी क्रैक नहीं रहनी है। तो आपको जैसे चाहिए छोटा बड़ा उसी के अकॉर्डिंग आप बोल तैयार कर लीजिएगा। तो एक साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो मैं आज बॉल को डीप फ्राई करूँगी। आप चाहो तो अपम पत्र में सारे बॉल को सेलो फ्राई भी कर सकते हो। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने मूँगफली का तेल लिया है। व्रत में खाए जाने वाली कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। सारे बड़े को तैयार करने के बाद आप जो मैंने ऑयल चढ़ाया था तो वो भी गर्म हो गई है। आप ऑयल में सारे बड़े को डाल लूँगी और मीडियम टू हाई हीट पे सारे बड़े को डीप फ्राई कर लूँगी। तो पहला 2 से 3 मिनट तक आपको बड़े को बिल्कुल भी नहीं हिलानी है, और चम्मच या तल से कुछ भी नहीं लगानी है। ऐसे कढ़ाई को थोड़ा सा हिला देंगे और हिला के सारे बड़े को तैयार कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा हिलाना भी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा आप हिलाओगे जो बड़े हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए एक तरफ जब डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तभी दूसरी तरफ आपको कढ़ाई को हिलाते हुए बड़े को डीप फ्राई करनी है। जब बड़े डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो एक टिश्यू पेपर में सारे बड़े को निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े और कितना बढ़िया कलर आया है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे ही बड़े को चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दही बड़े के लिए मैंने एक बाउल में गुनगुना पानी लिया है। आप उसमें नमक डाल दूंगी और डाल के बस 2 से 3 मिनट के लिए सोक करके रख दूंगी ताकि जो बड़े हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही हल्के हाथों से दबाते हुए बड़े को निकाल लूँगी। तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अंदर से बिल्कुल खोखला होते, तो बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब छोक करेंगे तो गुनगुना पानी ही लेनी है। बहुत ही हल्के हाथों से दबा के पानी निचोड़ लूँगी और एक प्लेट में सारे बड़े को रख दूँगी। अब बड़े के ऊपर फेंटा हुआ दही लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर शुगर मिक्स कर लिया है। तो अगर आपको पाउडर शुगर यूज़ नहीं करनी है तो पाउडर शुगर को टोटली स्किप कर सकते हो। अब दही डाल लूँगी और जो चटनी मैंने बनाया था तो वो भी डाल लूंगी थोड़ा थोड़ा। अब हरी चटनी डालने के बाद मैंने
इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी लिया है, जिसको मैंने बनाया है इमली की पल्प, काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, खजूर और थोड़ा सा गुड़ के साथ, तो वो भी डाल दूँगी, और ऊपर से भुने जीरे का पाउडर भी डाल दूँगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप व्रत में नहीं खाते हो तो उसको टोटली स्किप कर सकते हो। और गार्निश के लिए थोड़ा सा अनार के दाने भी डाल दूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे, और एक क्रंच भी आ जाए, और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही टेस्टी व्रत का दही बड़ा तैयार है, जिसको आप व्रत के साथ साथ ऐसे भी बना के खा सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।